आप अपने मोबाइल से कोई पोर्ट्रेट इमेज बनाते हैं वो उतनी जबरदस्त नहीं आती जितनी आप चाह रहे होते हैं, तो आप अपने मोबाइल से एक नॉर्मल इमेज बना के सेव कर लें। उसके बाद अपने गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आपने जो ऐप इंस्टॉल करना है उसका नाम है फोकस, फोकस नहीं FOCOS, ये इसका नेम है और ये इसका ऐप का आइकन है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। इसका आइकन एंड्रॉयड में और है, यहाँ पे और है, लेकिन नाम एक ही है। इसको आपने इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। आपने जो नॉर्मल पिक्चर बनाई है उसको अपने इसमें ऐड करना है। ये कैलकुलेट करता है और उसके बाद आपकी पिक्चर को, ये देखें यहाँ पे, ये मेरी नॉर्मल इमेज है, ये मैंने पिछले अपने वीडियो में ऐड की थी थंबनेल के लिए। ये देखें इस तरीके से ये आपकी पिक्चर को, बैकग्राउंड को ब्लर करता है, पोर्ट्रेट बन जाती है आपकी पिक्चर। जितना आप चाहें उसकी डेप्थ रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, और बड़े ही जबरदस्त तरीके से करता है, फाइन एज बनती है इसके साथ। आप काफी ऐप्स यूज करते होंगे लेकिन उसमें इस तरह का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जैसा रिजल्ट आपको इस ऐप के अंदर मिल रहा है। बहुत ही जबरदस्त ऐप है अपनी किसी भी नॉर्मल इमेज को पोर्ट्रेट इमेज बनाने के लिए। इसके अंदर आप खुद भी चूज कर सकते हैं कि आपने किस एरिया को ब्लर करना है, किस एरिया को पोर्ट्रेट करना है। ये देखें इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर और भी बेशुमार फीचर्स मौजूद हैं, आप उनको यूज करके अपनी पिक्चर को जबरदस्त बना सकते हैं जैसे आप चाहें। इसको यूज करके देखें, बहुत ही जबरदस्त ऐप है आपकी पिक्चर को पोर्ट्रेट बनाने के लिए, उसकी सेटिंग करने के लिए, उसको DSLR इफेक्ट देने के लिए। इसको लाजमी इंस्टॉल करें, इसको ट्राई करें।